गाने वाने गाओ अपने गले का। सर गाने में तो आप मांगो, आप गाइए। ना ना ना, कहाँ मतलब। चांग आएगा चांग, लेकिन ये सही है, इनको कब सुना, ये हैरान हो गया, क्या बात है। मनाली में कैरियर में वही तो बोल रही हूँ सर, झूठ बोल रहे हैं, बाहर तो जाते थे सर। मैं जानता हूँ, मैं तो इनके पॉडकास्ट सुन चुका हूँ। फर्स्टली कांग्रेचुलेशन, अनदेखी का रिलीज होने वाला है 4 मार्च को, सो हाउ एक्साइटेड आर यू गाइस? हम तो बिल्कुल एक्साइटेड हैं, खास करके इसलिए मैंने वेब सीरीज हिट है, दूसरा सीजन बनने वाला है और बड़ा बना है और एक्साइटिंग है। हम लोगों को जो चीज़ करने में मज़ा आया, पसंद आया, वो चीज़ हम दोबारा कर रहे हैं। बिल्कुल। और दोबारा इकट्ठे होने का मौका मिला है तो हम लोगों के लिए तो बड़ा अच्छा है, होपफुली ऑडियंस के लिए भी उतना ही एक्साइटिंग और अच्छा रहेगा, अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। बाकी यही बताएंगे, आप बताइए। एग्जैक्टली, आई मीन जब सीजन 1 आई थिंक 2020 में आया, तो ये 2 साल हो चुके हैं, फाइनली वी आर हियर। वी ऑल बीन वेटिंग फॉर दिस डे कि कब अनदेखी सीजन 2 बाहर आए, एंड I think we all believe in the script, in the story, and now it's over to the audience, and I hope ki audience bhi utni enjoy kare jitni humne use banane mein enjoy kiya. I forgot your question. How excited are you for this? I'm very excited. I'm relieved that season 2 is coming out, kyunki as she said ki 2 saal baad aaya hai, plus the situation was a little tough and hum logo ne bahut mehnat ki hai. And Andekhi, shooting Andekhi is like you're going for an adventure trip for like 45 days. And then you see a lot of things, snow, water, river, flood, landslide, everything. And then you come back to Mumbai, you deliver a great show, and I feel blessed to be part of, you know. Production-wise, what is the difference between season 1 and season 2? What can we see different? This time it's bigger, and I think it will increase and upar. और एस सच कोई उतना मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब मैं सेट पे होता हूँ तो मेरा हमेशा माइंड रहता है कि यू नो काम पे फोकस करें। एंड यस, प्रोडक्शन ने बहुत मेहनत की है इसमें, शूट को बहुत स्मूथली लेके गए हैं आगे। एंड यस, वी ऑल आर ब्लेस्ड कि हमें इतना अच्छा प्रोडक्शन मिला है। अप्लॉज एंटरटेनमेंट बानी जी, सही। मैंने पहला ट्रेलर आपने देखा होगा, दूसरा ट्रेलर आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं दूसरे में कितनी बड़ी बस एक जो है लुढ़कते गिर रही है, वही बता देता है कि स्केल क्या है पहले से और दूसरे में क्या फर्क। मनीषा, आई थिंक दे हैव प्रूवन देमसेल्व्स विद द काइंड ऑफ शोज दैट दे हैव कम आउट विद। स्कैम की बात कर लो, रॉकेट बॉयज की बात कर लो, सो दे डेफिनेटली हैव सम ऑफ द रियली रियली गुड यूनिक content, and I think they're taking a chance on unheard stories, and you know, so I definitely think they're doing a really good job. Yeah. And lastly, what kind of response you are looking forward for this season? What kind of response? Give it a lot of love, guys. Good response, चलो knock करके आओ, बोलो अंधेरी देखे, नहीं देखे तो please देखे। देखो। हाँ, देखो, दिखाओ। अंधेरी देखो। Yeah. खुद देखो, 10 और लोगों को दिखाओ, फिर हमको बताओ भी। अभी रिस्पॉन्स तो पता चलेगा, 4th को रिलीज़ होगा, उसके बाद हम इस चीज़ का आंसर दे पाएंगे। एंड एक आर्टिस्ट के लिए ऑब्वियसली हर एक इंसान यही चाहता है, आर्टिस्ट यही चाहता है कि रिस्पॉन्स अच्छा है, बट इट्स ऑल अप टू ऑडियंस कि वो किस तरह से आपको यू नो लेती है और किस तरह से आपको प्यार देती है। सो या अभी तक बहुत प्यार दिया है तो सीज़न 2 पे भी। भैया हमने अच्छा शो बनाने की कोशिश की है, राइट, आपको पसंद आना चाहिए। चाहिए, ये बात भी सही है। अरे पापा, ये तो हमने पूरा पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से बनाया है, इसलिए हमारा तो ये हो, बाकी अपना बताएंगे सूर्य। एंड आई बिलोंग टू नॉर्थ, हिमाचल से हूँ, सो चंडीगढ़ में पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे कई सारी पंजाबी वेडिंग है। ऐसा है कि मतलब बिल्कुल अनदेखी वाला किस्सा नहीं देखा है, बट उससे आस पास सिमिलर चीज़ें हो जाती है वेडिंग में, इट्स वेरी नॉर्मल इन नॉर्थ। एंड मैं यही बोलना चाहूँगा, मत करो यार, आराम से शादी वादी सेलिब्रेट करो, घर जाओ, दुल्हन घर जाए अपने उसके साथ। आई थिंक ये तो होता ही, आई मीन वी ऑल कम अक्रॉस और हियर ऑफ इंसिडेंट्स जहाँ चीज़ें हुई है और उन्हें यू नो एज अ टाइटल गोज उन्हें अनदेखा किया जाता है। तो पर्सनल लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, बट कहानियाँ सुनने को आती है, एंड दैट्स आई थिंक व्हाट द शो इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अ लिटिल बिट इंस्पायर्ड फ्रॉम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। Thank you.
Are you going to ask any questions or just... I think I'm going to ask questions. Okay, go ahead. Are we waiting for someone? Yeah. Are we waiting for someone? No. All right, okay. You'll have to be louder. I can't hear. Let's start. Okay. So Andeki is going to stream live on Sunil. Yes. 4th March. So how excited are you guys? Extremely. Very, very excited and looking forward to the reactions of people right now, because the way we made season 1 with a lot of love, और उसी तरीके से सीज़न 2 बनाया गया है. बस इस बारी थोड़े से और ट्विस्ट एंड टर्न्स इसमें डाले गए हैं. कहानी सस्पेंस और रिवेंज की है. सो वी रियली होप कि लोगों को हमारा हार्डवर्क इस बारी भी इतना ही अच्छा लगे. सीज़न 1 काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी सस्पेंस था. सीज़न 2 से क्या कुछ देखने मिलेगा? You wanna go first? सीज़न 2 में जो किरदार आपने देखे हैं सीज़न 1 में ना, वही किरदार किस तरीके से और लेयर्स और डायमेंशंस के साथ आगे बढ़ते हैं, कुछ एडेड एजेंडाज और मोटिवेशंस भी आपको उनके देखने को मिलेगा. और साथ ही साथ इस सीज़न में हमारे साथ नए किरदार जुड़े हैं जो कि कहानी को और भी इंटरेस्टिंग और भी एक्साइटिंग और आगे ले जाने का एक अपॉर्चुनिटी रखता है. सो आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड. मैंने अपना अभी तक हमने सीरीज़ नहीं देखा है. डबिंग के दौरान जो थोड़ा बहुत अपने सीन्स हमने करे थे वो थोड़ा सा देखा. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू नो दैट एवरीथिंग पुट टुगेदर हाउ इज इट गोना लुक लाइक राइट नाउ. तो 4th मार्च का इंतजार मुझे भी उतना ही है जितना कि आप सभी को है. एंड आई फील दैट इट्स लाइक इट्स बिकम सो बिग. सीजन 2 हैज बिकम सो बिग. सो गुड बैड और इनडिफरेंट आपको बहुत बड़ा लगेगा. एंड जैसे कि आंचल ने बोला, मैं एग्री करूंगा कि सारे किरदार इस टाइम पे इतना स्टेक्स इतने हाई हो गए हैं दैट इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच. बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को. प्रोडक्शन वाइज दोनों ही प्रोडक्शन बहुत बेहतरीन थे. सीज़न वन में भी बहुत मज़ा आया था. एंड सीज़न टू सॉरी नहीं मैं भूल गया. सीज़न टू प्रोडक्शन में ऐसी कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता, बट सीज़न टू में प्रोडक्शन बहुत अच्छा था आई वुड से. एंड प्लीज़ कि किस तरीके से वो परसीव होगा. करेक्ट. अभी हर कोई कहानी बहुत मेहनत से प्यार से दिल से ही बनाता है, लेकिन ऑडियंस उसको किस तरीके से एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, प्यार देगी कि यू नो अपना हेट्रेड देगी, वो रिएक्शन मिलने के बाद ही आपको पता चल पाता है कि जो आपकी इंटेंशंस थी सीरीज़ बनाने की क्या वैसी ही बनी है कि नहीं. तो now we know that season 1 is a huge hit because of the love we have all gotten. That's why season 2 bani ja rahi hai. So while we were making this, wohi trust aur wohi faith production house bhi zyada dikhata hai. So this time we were treated like family. Yeah. And wohi purani hamari location Manali is bari lag rahi thi jaise ki ye hamara second home hai, kyunki wahi se humne सीजन 1 की शुरुआत करी थी. गुड आंसर. क्या कुछ कहना चाहोगे? यार आई एम ग्लैड दैट पीपल आर लविंग द न्यू लुक. इनफैक्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे कही गई थी जब आई वॉज ड्राफ्टेड टू प्ले अभय वॉज दैट हम आपको पहचान नहीं पाए थे, बिकॉज वी हैव सीन यू ओवर द इयर्स इन रियलिटी शोज एंड ज़्यादातर मैं ऐसे ही दिखता हूँ. तो ये बात हुई थी. आंचल ने कहा वरुण, बिकॉज वी आर ऑल्सो इन द सेम बिल्डिंग, तो वरुण ने इतने जो प्यार से वेलकम किया है. वरुण के घर पे एक बहुत ही बढ़िया आइस ब्रेकर हुआ था हम सबका जब हम आए थे कि वेलकम टू दिस फैमिली. एंड दिस इज आई रिमेंबर दिस, दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड्स दैट दे हैड यूज्ड, दैट वेलकम टू दिस फैमिली. एंड पहले मैं सच कहूँगा मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल था ये सोच के कि यार सब कहते हैं कि वे आर फैमिली क्योंकि हमने साथ में काम किया है, बिकॉज यू आर डूइंग अ सेकंड सीजन. एंड कोई स्केप्टिकल इंसान मेरी तरह जो होगा वो सोचेगा कि यार बोल रहे हैं, बट आई सीन दैट लव, आई एक्चुअली सीन दैट लव दैट दीज गाइज हैव.
एंड विच इज़ वाई मुझे बिल्कुल ऐसा भी नहीं लगा कि मैं कोई नया आ रहा हूँ. मुझे लग रहा था कि मैंने ऑलरेडी इनके साथ पहला सीजन किया है. योर एनर्जीज चैट द काइंड ऑफ लव एंड द वॉर्मथ यू कम इन विद नो इट्स बीन व्हाट एन एक्सपीरियंस वर्किंग विद यू. आई हैव टू से ही जस्ट फिट लाइक दैट. एक सेकंड नहीं लगा इसको कि हमारा दोस्त बनने में. ये भी उतना ही गिविंग है, उतना ही पॉजिटिव है, उतनी ही मेहनत करता है, अप्रिशिएट करता है, इतना हम्बल है. हम्बल है एक्चुअली. हम्बल इज अ परफेक्ट या जेन्युइन पर्सन. दैट्स व्हाट ही इज ट्रूली. या या या. Yeah, somebody just reminded me the other day ki I probably started doing OTT when OTT was in its stage of infancy. Jab maine shuruaat ki thi to us waqt, yeah, this was like jo mera pehla show tha jisme maine lead play kiya tha, that was Untagged on another platform. Wo bhi un tha, ye bhi un hai, un dekhi. So wo bahut very unusual. Very unusual. Oh ho, kya baat kahi hai tumne. So it has always been a great platform because you realize that films mein aap utna kar sakte ho. TV fiction is something jisme main fit nahi baithta hu. To us hisab se dekha jaye yahan par OTT platforms mein bahut sare risks liye ja sakte hain, bahut sari kahaniyan kahi ja sakti hain, and all of us are lucky and we are very blessed to actually have this thing ki yahan par hum bedhadak hokar, bekhauf hokar aisa kaam kar sakte hain jo shayad alag avenues mein shayad na milta. और यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी है. करेक्ट. एंड मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा इस चीज़ को. मैं सेकंड करता हूँ इस चीज़ को बिकॉज जब से ऑलरेडी प्लेटफॉर्म खुले हैं आई फील कि चाहे वो डायरेक्टर्स हो, किसी भी तरह का फिल्म मेकर हो, एक्टर्स हो, सिनेमाटोग्राफर्स हो, सबका इतना काम है, यू नो. एंड दैट्स वॉट लाइक एवरीबडी इज़ फ्लरिशिंग बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज एवरीबडी हैज़ एन क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ अ गुड स्टोरी, यू नो. सो यस. Sorry? In our life, you know, बहुत सी चीज़ें हैं. In fact, कई बारी हम जब travel कर रहे होते हैं accident देखते हैं, हम में से कितने लोग उतर के help करना चाहते हैं. कुछ लोग जो उतरते हैं उनमें से कितने लोग वाकई इसलिए उतरते हैं ताकि वो help कर सके किसी के लिए. They want to just know what is happening out of curiosity or they want to click a picture. सो इतनी अनदेखी चीज़ें हम देखते हैं. और अगर आप देखेंगे इस सीरीज़ में भी एक सिचुएशन को किस तरीके से हर एक अलग किरदार अलग हिसाब से रिएक्ट करता है, ये वही है. इट इज़ ए परसेप्शन ऑफ द सोसाइटी टू वन सिचुएशन दैट इज टेकन प्लेस. सो दैट वे अनदेखी इज़ वेरी क्लोज टू रियलिटी. सो इट्स अ वेरी जस्टिफाइबल टाइटल ऑल्सो आई फील. Thank you so much. Thank you so much. For having us. Photos. Pictures, right? अब दिख रहा है ना. Thank you.
यार मैं भी तो स्टाइल के लिए पहन लिया था, मुझे ऐसे लग रहा था कि सिर्फ बताओ बट यस एक्साइटमेंट तो बहुत है, मतलब काफ़ी एक्चुअली मच अवेटेड सीरीज है ये अंधेकी सीजन टू, और हमने अंधेकी सीजन वन का ह्यूज सक्सेस था, लोगों का बहुत प्यार मिला और लोगों ने देखा सराहा, बिकॉज 2020 का टाइम था, वो घर में बैठ के लोगों के पास कोई काम था भी नहीं, और ऐसे पकी पका एंटरटेनमेंट आपके पास आ जाता है तो बहुत मज़ा आता है। लेकिन उसके बाद अंधेकी सीजन टू करने में बहुत बड़ी जद्दोजहद थी, क्योंकि बीच में अब लोगों को पता ही है कि बिकॉज ओमिक्रॉन डेल्टा ये वो खला पैंडमिक, हम लोगों ने बहुत मुश्किल से शूट करके लेकिन फिर जल्दी जल्दी रैप करके ये सीज़न आपके लिए लेके आए। सो आप जैसे एक्साइटेड हैं ये देखने के लिए 4th of March ऑन सोनी लिव, हम भी बहुत एक्साइटेड हैं, और नंदीश मेरा बहुत प्यारा भाई है, नंदीश का मतलब इस सीज़न में एंट्री हुआ है, तो ये वो भी देखिए कि परत दर परत इसके भी किरदार जब खुलते हैं, एक प्लॉट खुलता है, एक सबप्लॉट खुलता है, तो बहुत बहुत एक्साइटमेंट है इसमें, बहुत इवेंटफुल है ये सीज़न टू। एंड वी आर वेटिंग, वी आर एक्साइटेड टू गेट एवरीबडीज रिव्यूज़ ऑल्सो फॉर सीज़न टू, बिकॉज सीज़न वन के बाद जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत हाई हैं सबकी, एंड यू नो सीज़न वन ऑफ अनदेखी गॉट रियली रियली गुड रिव्यूज़ फ्रॉम एवरीबडी, इट गॉट रियली गुड फीडबैक, तो यू नो उतना प्रेशर बन गया है, तो हम लोग भी थोड़े एक्साइटेड हैं, थोड़े नर्वस हैं दैट वेदर वी विल बी एबल टू डिलीवर टू दैट प्रेशर और नो, सो या जस्ट वेटिंग फॉर 4th of March नाउ। जी मेरा डेब्यू है OTT प्लेटफॉर्म पे, एंड दैट इज़ अनदर रीज़न आई एम स्लाइटली नर्वस, अनदर रीज़न व्हाई आई एम एक्साइटेड एंड नर्वस इज बिकॉज ऐसा किरदार मैंने कभी पहले नहीं किया है, हु इज रियलिस्टिक, आई हैव ऑलवेज डन कैरेक्टर्स हु आर ड्रिवन बाय वैल्यूज, सोसाइटी प्रेशर्स, फैमिली प्रेशर्स, तो सारे मेरे किरदार जो रहे हैं वो बहुत अच्छे लड़के वाले राइटियस कैरेक्टर्स रहे हैं, कि सच्चाई के लिए खड़ा होना है, बुराई को हराना है। इन दिस व्हेन आई हर्ड समर्थ, समर्थ वाज रियल, ही यू नो ही बिलीव्स इन देयर इज़ नथिंग रॉन्ग एंड राइट, धंधा है, बिजनेस है, पैसा कमाना है और कानून के दायरे में रहकर काम करना है, किसी को ऐसा नहीं है कि गन लेके घूम रहा है, किसी को शूट कर रहा है, किसी को मार रहा है या किसी के यहाँ पे डाका डाल रहा है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन अगर उसके आड़े कोई आएगा तो ही इज़ अ सर्वाइवर, हिज फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज ऑफ एन अल्फा मेल हु नोज हाउ टू सर्वाइव, सो अगर उसके बिजनेस के बीच में कोई आया उसके धंधे को डिसरप्ट करेगा, बींग एन अल्फा मेल ही वुड जस्ट स्पॉन्टेनियसली इंस्टिंक्टिवली डू वॉट इज राइट फॉर हिम एज समर्थ, सो आई वुडंट कॉल हिम अ ग्रे शेड और अ नेगेटिव शेड और वट एवर, ही इज जस्ट अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एंड अनप्रडिक्टेबल। सर आपकी मैं बात करूँ, काफ़ी ज़्यादा ओटीटीज पे आपको देख चुके हैं, अलग अलग कैरेक्टर ने आपको देख किया है, जो प्लेइंग है डीएसपी घोष, आपके किरदार के बारे में कुछ जानना चाहूँगा। यार आप लोगों ने जिन्होंने सीजन वन देखा है आप सबको मालूम होगा कि डीएसपी घोष है क्या है, कैसा कैरेक्टर है, वो एक राइटियस कॉप है, लेकिन वो राइटियस कॉप होते हुए भी ही इज़ ऑल्सो लाइक हॉन्टेड बाय अ घोस्ट ऑफ हिज पास्ट लाइफ। एक्चुअली अगर आप लोगों ने देखा होगा कि सीजन वन के लास्ट फाइनल एपिसोड्स में वो ये बोला जाता है कि वो कहता है ये अपने आप अपना जो सर्वेंट होता है जिनके साथ खाना वाना सर्व करते हैं उनको कहता है वो कि मेरे बाप ने कुछ किया नहीं ज़िंदगी में, कुछ कर नहीं पाया, मैं अपने बच्चों के सामने ये साबित नहीं करना चाहता कि मैं लूज़र हूँ, तो मेरा ये फाइनल ईयर है मेरे जॉब का और मुझे ये काम करना ही करना है, तो मुझे इस लड़की को लेके ही जाना है ज़िंदा, जहाँ वो जाके रिंकू के साथ फिर हाथ भी मिला लेता है बिकॉज, और फिर उसके पास उसके दिमाग उसके सर के ऊपर ये ऋषि का भी एक मर्डर का चार्ज भी लग जाता है इनाहों, लेकिन क्योंकि वो चाहता तो उसको बचा सकता था, तो ऐसे ही ये वरुण घोष का जो कैरेक्टर है ये देखने में आपको राइटर्स लगता है, देखने में आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा
स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत होपफुल कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, लेकिन ये भी मल्टी लेयर्ड है क्योंकि इस ये भी बहुत सारी चीज़ों से दबा हुआ है और ये एक ऐसा किरदार है जिसकी आंखें देख के और जिसके सरफेस लेवल पे आपको पता नहीं चलता कि वो सोच क्या रहा है वो, क्योंकि बिकॉज वो अकेला आदमी एक ऐसे किंगडम में लड़ रहा है जहाँ पूरा बैटलशिप में वो अकेला है, हर कोई सपोर्ट सिस्टम जो है उसके अगेंस्ट में है। सो अभी भी आपको फाइनली सेकेंड सीजन में यही देखने को मिलेगा कि हाउ ही इज स्ट्रगलिंग टू गेट कोयल बैक टू कैलकटा। यार मैं सीजन वन का तो मैं पार्ट था नहीं, सीजन टू में आई कैन टेल यू अबाउट सीजन टू। सीजन टू आई थिंक वॉट एवर आई हैव सीन एज इन द वे इट्स बीन शॉट, इट इज़ ग्रैंडर देन सीजन वन। पूरा जो उसको शो को माउंट किया है, जिस तरीके से चीज़ें दिखाई हैं, वो जो जो विजुअल्स हैं वो बहुत बेहतर हैं सीज़न वन से। नॉट टू से सीज़न वन कम था, सीज़न वन की जो रिक्वायरमेंट थी वो सीज़न वन में किया, अब सीज़न टू के लिए ऑडियंसेस की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं तो उनको मीट करने के लिए आई थिंक सीज़न टू को और उससे बेहतर बनाया गया है। सो व्हेन इट्स गोइंग टू बी अ विजुअल ट्रीट टू वॉच सीज़न टू। चैलेंजिंग तो यार हर प्रोजेक्ट और हर स्क्रिप्ट ही चैलेंजिंग होती है, अगर चैलेंजिंग ना हो तो फिर वो करने का मज़ा भी नहीं आता है। एंड आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन दैट व्हेन देयर इज समथिंग चैलेंजिंग इन थ्रोन एट मी आई एंजॉय दैट मोर, उसमें काम करने में मज़ा आता है, मेहनत करने में मज़ा आता है। सो दिस वॉज ऑल्सो इक्वली चैलेंजिंग एंड वॉट वॉज चैलेंजिंग आई थिंक आई हैव ऑलरेडी सेड इट बिफोर कि मैंने ऐसा किरदार पहले नहीं किया है, तो मेरे लिए एक तो सबसे बड़ा चैलेंज वो था एंड सेकेंड चैलेंज वॉज टू इस्टेब्लिश समर्थ इन ऑलरेडी वेल स्टैब्लिश अमंगस्ट ऑलरेडी वेल स्टैब्लिश कैरेक्टर्स फ्रॉम सीजन वन। तो समर्थ को आके एक अपनी जगह बनानी थी, उसको अपना एक रिदम सेट करना था, बाकी का जो शो का रिदम था उसको डिस्टरप्ट भी ना करे लेकिन उसके साथ साथ अपनी जगह भी बनाए समर्थ। सो आई थिंक ऑल दी स्मॉल स्मॉल चैलेंजेस वर देयर बट इट वॉज गुड फन एंड अ लॉट ऑफ गुड हार्ड वर्क पुट बिहाइंड इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यार सीज़न टू मुझे करने में बहुत मज़ा आया हुआ है, सीज़न वन भी मैंने किया हुआ लेकिन सीज़न टू करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आया हुआ है क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर खुल रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट सीज़न में आपने देखा कि शादी के दौरान यू नो मर्डर हो गया वगैरह वगैरह और जहाँ तक भी गया हो, बट यू डोंट नो कि पापा जी रिंकू एक्चुअल लाइफ में करते क्या, ठीक है वो आपको इस सीज़न में देखने मिलेगा और प्लस उसके साथ किस किस किन किन लोगों के साथ डील करते हैं वो आपको देखने मिलेगा, कहाँ तक उनकी पहुँच है वो सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। प्लस सीज़न टू का होना भी ज़रूरी था क्योंकि सीज़न वन प्रॉमिस था, सीज़न टू डिलीवरी है। सो दैट वे सीज़न टू में बहुत कुछ है जिसके बिना सीज़न वन अधूरा है। सी प्रोडक्शन वाइज अगर बोलें तो नए कैरेक्टर आ रहे हैं इसके अंदर, नए कैरेक्टर आएंगे वो भी अपनी कहानियाँ लेके आएंगे और उनका भी योगदान होगा ओरिजिनल कहानी के अंदर और या रिंकू और पापा जी की लाइफ के अंदर, वो सारी चीज़ें तो होंगी। इसमें एक्शन बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू सीज़न वन। हाँ 100% नो, तो सीज़न थ्री के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी कहानी एक क्लिफहैंगर पे आएगी और क्या नाम है सीज़न थ्री की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, बट सीज़न टू में जवाब आपको मिल जाएंगे क्योंकि सीज़न ही है, डिलीवरी का ही सीज़न है।
सो हम लोगों ने जहाँ पे सीजन वन आपका ख़त्म होता है उसके नेक्स्ट मोमेंट में सीज़न टू शुरू हो जाता है। यार अभी तक तो इस सीज़न से रिस्पांस काफ़ी, मतलब हम लोगों को इतने सारे मैसेजेस आते थे कि यार अगला सीज़न कब आएगा, अगला सीज़न कब आएगा, डेढ़ साल दो साल से लोग पूछ रहे हैं और फाइनली अगला सीज़न आ रहा है। सो इनफैक्ट हर एक एक्टर से लेके टेक्नीशियन प्रोड्यूसर सबको ये पूछा जा रहा था यार कि अगला सीज़न कब आ रहा है, क्योंकि हमने आधे पे छोड़ दिया था पहला सीज़न। तो रिस्पॉन्स तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, और इतने भूख के बाद में अगर खाना मिलता है ना तो और ज़्यादा स्वाद आता है। तो वो वाली चीज़ हो रही है कि और ये चीज़ आपको देखने मिल भी जाएगी। ट्रेलर का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, इनफैक्ट मोर देन आई हैड एक्सपेक्टेड, यू नो उतना अच्छा है। सो यह फ़र्क पड़ेगा। एंड लास्ट मेरा आखिरी सवाल, सीजन टू में सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे या फिर सीजन थ्री? देखो सीज़न थ्री की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, क्योंकि कहानी अभी तक ख़त्म हुई नहीं है। लेकिन यह है कि सीज़न वन के सारे जवाब तो मिल ही जाएंगे आपको, क्योंकि अगर उस सीज़न फर्स्ट सीज़न के अंदर पापा जी रिंकू को जो करना था उन्होंने कर लिया, ये सीज़न इज़ ऑल अबाउट रिवेंज। ठीक है, थैंक यू। Nandesh, Archer, Varun, just call Nandesh and Varun now. Nandesh and Varun. Nandesh, Varun and Devi sir. And Devi sir. Okay.